21 जनवरी को राम नाम वाले व्यक्ति को शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र गोरखपुर में टिकट में 50% की दी जाएगी छूट। दिखाना होगा एक आईडी कार्ड, जानिए क्यों। यदि आपका भी नाम है राम तो उठा सकते हैं लाभ। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए मार्केट में भगवा रंग के भगवान राम के नाम के झंडों की जमकर हो रही है बिक्री। ऑर्डर पूरा करने में जुटे हैं दुकानदार। जगन्नाथपुर से अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए महानगर में भगवान राम की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। लोगों ने लगाए जमकर जय श्री राम के नारे। गोरखपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद का पूर्व पार्षद प्रतिनिधि अरविंद निषाद ने स्मृति चिन्ह देकर किया स्वागत। कहा 22 जनवरी को सभी लोग अपने घरों में जलाएं दीपक, 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम जा रहे हैं अपने घर में। एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन। फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर सतर्कता के दृष्टिगत जनपद सिद्धार्थनगर के अलीगढ़वा बॉर्डर पर एडीजी जोन द्वारा सशस्त्र सीमा बल के साथ संयुक्त रूप से लिया गया पैदल गश्त। नेपाली पुलिस अधिकारियों से वार्ता कर सहयोग एवं समन्वय बनाने के लिए की गई अपील। गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को बीमार बताकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती फर्जी स्टाम्प बिक्री मामले के सरगना स्टाम्प वेंडर रविदत्त मिश्रा को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गोरखपुर और आसपास के जिलों से काफी संख्या में श्रद्धालुओं को अयोध्या जाने के लिए किया गया रूट डायवर्जन। 22 को कार्यक्रम समाप्ति तक रहेगा प्रभावी। गोरखपुर के बेलीपार थाने की पुलिस टीम को अहम कामयाबी लगी हाथ। पुलिस टीम ने गैंगस्टर के दो वांछित आरोपियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल।